नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र। आज की कहानी कितने सेव है। एक 7 साल की लड़की को मैथ पढ़ा रहे टीचर ने पूछा, अगर मैं तुम्हें एक सेव दूं, फिर एक और सेव दूं, और फिर एक और सेव दूं, तो तुम्हारे पास कितने सेव हो जाएंगे। लड़की ने कुछ देर सोचा और अपनी उंगलियों पर जोड़ने लगी। 4 लड़की का उत्तर आया। टीचर थोड़ा निराश हो गया और उसे लगा कि ये कोई भी बता सकता था, शायद बच्चे ने ठीक से सुना नहीं। टीचर ने मन ही मन सोचा। उसने पुनः प्रश्न दोहराया, ध्यान से सुनो, अगर मैं तुम्हें एक सेब दूं, फिर एक और सेब दूं, और फिर एक और सेब दूं, तो तुम्हारे पास कितने सेब हो जाएंगे। लड़की टीचर का चेहरा देखकर समझ चुकी थी कि वह खुश नहीं है। वह पुनः अपनी उंगलियों पर जोड़ने लगी और सोचने लगी कि ऐसा क्या उत्तर बताऊं जिससे टीचर खुश हो जाए। अब उसके दिमाग में ये नहीं था कि उत्तर सही हो, बल्कि ये था कि टीचर खुश हो जाए। पर बहुत सोचने के बाद भी उसे संकोच करते हुए कहा, 4। टीचर फिर निराश हो गया। उसे याद आया कि लड़की को स्ट्रॉबेरी बहुत पसंद है। हो सकता है कि सेब पसंद ना होने के कारण वो अपना फोकस लूज कर दे रही हो। इस बार उसने बड़े प्यार और जोश के साथ पूछा, अगर मैं तुम्हें एक स्ट्रॉबेरी दूं, फिर एक और स्ट्रॉबेरी दूं, और फिर एक और स्ट्रॉबेरी दूं, तो तुम्हारे पास कितने स्ट्रॉबेरी हो जाएंगे। टीचर को खुश देखकर लड़की भी खुश हो गई और अपनी उंगलियों पर जोड़ने लगे। अब उसके ऊपर कोई दबाव नहीं था, बल्कि टीचर को ही चिंता थी कि उसका नया तरीका काम करेगा कि नहीं। उत्तर देते समय लड़की ने फिर थोड़ा सा झिझकी ली और बोली, 3। टीचर खुश हो गया, उसका तरीका काम कर गया था। उसे लगा कि अब लड़की समझ चुकी है और अब वो इस तरह के किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकती है। अच्छा बेटा, तो बताओ, अगर मैं तुम्हें एक सेब दूं, फिर एक और सेब दूं, और फिर एक और सेब दूं, तो तुम्हारे पास कितने सेब हो जाएंगे। पिछला जवाब सही होने से लड़की का आत्मविश्वास बढ़ चुका था। उसे बिना समय गवाए उत्तर दिया, 4। टीचर क्रोधित हो, तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या, जरा मुझे भी समझाओ कि 4 कैसे हो गए। लड़की डर गई और टूटते हुए शब्दों में बोली, क्योंकि मेरे बैग में पहले से ही एक सेब है। सो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले का जवाब हमारे अनुकूल नहीं होता तो हम अपना टेंपर लूज कर देते हैं। पर जरूरत है इस बात की कि हम उसके जवाब के पीछे का लॉजिक समझें। विभिन्न माहौल और कल्चर में पले बड़े होने के कारण एक ही चीज को अलग अलग तरीके से देख समझ सकते हैं। इसलिए जब अगली बार आपको कोई अटपटा जवाब मिले तो एक बार जरूर सोच लीजिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी छुपे हुए सेब को नहीं देख पा रहे हो। सो दोस्तों, छोटी सी कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमको बताएं कि आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।